नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी के लिए पुनः एक बार एक और नई जानकारी को लेकर के जी हाँ हरी मिर्च को खाने के फायदे और नुकसान से जुड़ी हुई ये जानकारी है हम फायदे और नुकसान दोनों इसलिए बताते हैं ताकि आप इसका सदुपयोग कर पाएँ जिनके लिए लॉस कारक हो वो इसका इस्तेमाल ना करें और जिनके लिए फ़ायदेमंद हो जिन जिन बीमारियों में फ़ायदा करता हो वो लोग अगर उस बीमारी से पीड़ित हैं तो इसका लाभ उठा सकें हरी मिर्च का उपयोग करने से खाने में स्वाद आ जाता है यदि खाने में मिर्च ना हो तो आप चाहे कितनी ही मसाले क्यों न डाल दें पर खाना मज़ेदार नहीं लगेगा वैसे तो मिर्च कई रंगों में आती है जैसे लाल पीली हरी इत्यादि लेकिन आज हम आपको अधिक उपयोग होने वाली यानी कि हरी मिर्च की जानकारी दे रहे हैं हम आपको बताना चाहते हैं कि हरी मिर्च का तड़का केवल खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता है बल्कि इसमें शरीर के लिए ज़रूरी कई सारे विटामिन्स भी मौजूद होते हैं आपको भले ही जानकर आश्चर्य लग रहा होगा लेकिन इसके सेवन से आपको सेहत के कई सारे फ़ायदे मिलते हैं जिन लोगों में आयरन की कमी होती है उनके लिए हरी मिर्च बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि हरी मिर्च आयरन का प्राकृतिक स्रोत है हरी मिर्च विटामिन के का अच्छा स्रोत है इसीलिए इसे खाने से आस्टियोपोरोसिस की संभावना कम होती है इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण कई प्रकार के संक्रमण से हमें दूर रखते हैं चाहे पतली वाली हरी मिर्च हो या शिमला मिर्च दोनों में ही अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं इसीलिए आइए सबसे पहले हम जानते हैं हरी मिर्च के फायदों के बारे में हरी मिर्च खाने से हृदय को फायदा होता है जी हाँ हरी मिर्च हमारे हृदय के स्वास्थ्य को भी सुधारती है यह बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करके धमनियों के सख्त होने को रोकती है यह फिब्रीनोल्टिक की गतिविधि को बढ़ाती है फिब्रीनटिक हमारे शरीर में खून को जमने से रोकने में मदद करता है जिससे दिल का दौरा आने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है हरी मिर्च खाने से वजन घटाने में लाभ होता है बहुत से लोगों को सुनकर थोड़ा आश्चर्य लगेगा पर हरी मिर्च के सेवन से वज़न घटाने में भी मदद मिलती है जब हम तीखा खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में उष्मा बनती है यह उष्मा हमारे शरीर से कैलोरी को जलाती है इसका सेवन मेटाबॉलिज्म के स्तर को भी बढ़ाता है इसीलिए हमारा वजन कंट्रोल हो जाता है यानी कि कम हो जाता है हरी मिर्च के सहायता से हरी मिर्च के फ़ायदे उच्च रक्तचाप में भी बहुत होते हैं जी हाँ जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या होती है उन्हें हमेशा फीका और कम तेल का खाना खाने की सलाह दी जाती है हरी मिर्च में रक्तचाप को नियंत्रित करने के गुण होते हैं इसीलिए उच्च रक्तचाप के मरीज को अपने आहार में संतुलित मात्रा में हरी मिर्च को शामिल करना चाहिए इसके साथ साथ ये आँखों के लिए भी बेहद फायदेमंद होती है हरी मिर्च का सेवन हमारी आंखों के लिए भी फायदेमंद है इसमें मौजूद विटामिन सी और बीटा कैरोटीन आँखों के लिए अच्छे होते हैं हमेशा हरी मिर्च को अंधेरी जगह पर रखें क्योंकि रोशनी धूप के संपर्क में आने से इसके अंदर का विटामिन सी खत्म हो जाता है हरी मिर्च के गुण मस्तिष्क के लिए आपने देखा होगा कुछ लोगों को तीखा खाना बहुत पसंद होता है बहुत से व्यंजनों में अधिक मिर्च होने पर भी वो इसे खाते रहते हैं हरी मिर्च मस्तिष्क में एंडोरफिन का रिसाव करती है इससे हमारी मनोदशा में सुधार आता है और हम खुश महसूस करते हैं हरी मिर्च खाने के फ़ायदे त्वचा के लिए यदि आप अपनी त्वचा को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप अपने खाने में हरी मिर्च खाना शुरू कर दें हरी मिर्च में विटामिन सी और ए होता है जो त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप बहुत सारी मिर्च खाने लगें आपको हरी मिर्च का संतुलित मात्रा में ही उपयोग करना है नहीं तो आपके पेट में जलन होने लगेगी हरी मिर्च में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं इसीलिए यह त्वचा में होने वाले इन्फेक्शन को भी दूर करती है इसके साथ साथ ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है जी हाँ जिन लोगों के रोग प्रतिरोधक तंत्र बहुत कमज़ोर होते हैं उन्हें बीमारियाँ बहुत जल्दी अपना शिकार बना लेती हैं सर्दी खांसी जैसी बीमारियाँ तो आए दिन हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं यदि आप अपने आहार में हरी मिर्च को शामिल करते हैं तो इससे आपको विटामिन सी मिलता है और आप की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है हरी मिर्च में भी नारंगी के समान विटामिन सी होता है जो हड्डियों और दांतों को भी मजबूत बनाती है इसके साथ साथ ये तो रहे हरी मिर्च के फ़ायदे पर हम आप सभी को इसके नुकसान के भी बारे में बता देते हैं ताकि आप इसका सदुपयोग कर पाएँ हरी मिर्च खाने के जैसे बहुत फायदे हैं वैसे ही इसका अधिक मात्रा में सेवन करना हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी होता है इसमें मौजूद कैप्साइसिन पेट की गर्मी को बढ़ाता है जिससे अनेकों प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां होती हैं हरी मिर्च में अधिक फाइबर होता है इसकी अधिक मात्रा से डायरिया हो सकता है इसमें मौजूद कैप्सासाइसिन से मेटाबॉलिज्म बैलेंस नहीं रहता है और मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस कम होती है इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट अल्सर की संभावना को बढ़ा सकते हैं हरी मिर्च के अधिक सेवन से पेट में जलन और चक्कर की समस्या भी हो सकती है हरी मिर्च के अधिक सेवन से मधुमेह सामान्य से भी नीचे हो जाता है अतः मधुमेह रोगी को मधुमेह की दवा ले रहे हैं वह लोग हरी मिर्च का अधिक सेवन नहीं करें हरी मिर्च में कैप्साइसिन होता है इसके अधिक सेवन से आपको त्वचा संबंधित एलर्जी हो सकती है हरी मिर्च अधिक मात्रा में कैप्साइसिन होने के कारण बवासीर से पीड़ित व्यक्ति इसका अधिक मात्रा में सेवन नहीं करें नहीं तो आपको बवासीर में और दिक्कतें आने लगेंगी तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए हरी मिर्च के फ़ायदों और नुकसान से जुड़ी हुई फायदे और नुकसान हम आप सभी को इसलिए बताते हैं ताकि जैसे कि अभी हमने बताया कि हरी मिर्च अगर आप बवासीर से पीड़ित हैं तो आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए इसी के साथ साथ इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी भी है कुछ एक बीमारियों में जो हमने आपको बताया ऊपर इसके अलावा जो हमने आपको बताया अभी अपने व्यू में पहले ठीक ऐसे ही आपको इसका फ़ायदा लेने के लिए उचित मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए ये पेट के लिए बहुत अच्छा भी होता है जब आप इसे संतुलित मात्रा में लें या कम मात्रा में लें तब तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों